अखिलेश यादव के लिए डैमेज कंट्रोल होगा मुश्किल। अपनों के बाद इन सीटों पर बागियों से मिल रही चुनौती। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए निकाय चुनाव में डैमेज कंट्रोल करना भी कई सीटों पर अब मुश्किल होते नजर आ रहा है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की मुसीबत अपनों ने ही बढ़ा दी है, जिसके बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कई जगहों पर टिकट न मिलने से उम्मीदवारों ने बागी के रूप में पर्चा भर दिया है। झांसी नगर निगम के मेयर पद पर भी पार्टी में बगावत के सुर बढ़ रहे हैं। सपा ने मेयर प्रत्याशियों की पहली सूची में झांसी मेयर का टिकट रघुवीर चौधरी को दिया था, लेकिन 10 घंटे बाद ही रघुवीर का टिकट काटकर पूर्व विधायक सतीश जकारिया को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इससे नाराज रघुवीर चौधरी ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी तरह नगर पालिका परिषद मैनपुरी में सपा ने सुमन वर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो पूर्व पालिका अध्यक्ष साधना गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय पर्चा भर दिया है। चंदौली जिले की नगर पालिका परिषद पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सपा के नेता उदय खरवार को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। महिला सीट होने के चलते यहां इनकी पत्नी सविता खरवार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। बिजनौर में सपा के बागियों को उसके गठबंधन के सहयोगी रालोद ने टिकट दे दिया। चांदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सपा के बागी अरशद अंसारी को रालोद ने टिकट दे दिया है। बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भी सपा की बागी रोकसाना परवीन को रालोद ने टिकट दिया है। वे पहले सपा के चुनाव चिन्ह से नामांकन कर चुकी थीं, लेकिन टिकट कटने पर उन्होंने रालोद का दामन थाम लिया। सहारनपुर की अम्बेहटा नगर पंचायत में रालोद ने रेशमा को उतारा है, जबकि पिछले चुनाव में वह सपा के टिकट से लड़ी थी। यहां से सपा ने इशरत जहां को टिकट दिया है। वहीं शामली की कांदला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सपा ने नजमुल हसन को, तो रालोद ने मिर्जा फैसल बेग को मैदान में उतारा है।